तो क्या हाल चाल है दोस्तों, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पे बजट रनिंग शूज लेने की सोचते हैं जिनका बजट 1000 के आसपास है। क्योंकि आपने बहुत सारे यहाँ पे नए नए ब्रांड्स के रनिंग शूज तो सुने होंगे, लेकिन आपने अक्सर निविया ब्रांड का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि निविया जो इंडिया का ब्रांड है, ये वन ऑफ द मोस्ट ओल्ड इंडियन ब्रांड है, जो कि अराउंड 1930 में फाउंडेड किया गया था और इसे ऑलमोस्ट 90 ईयर्स हो चुके हैं। तो ये सबसे पुराना ब्रांड है जिसका यहाँ पे मैं एक रनिंग शूज लेके आया हूँ, जो है निविया का स्नेक 2.0 रनिंग शूज। दोस्तों ये जो रनिंग शूज है, आज की इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे, साथ ही साथ मैं इसका कंपैरिजन जो न्यूली लॉन्च इंडियन ब्रांड्स हैं उनके साथ भी करूंगा, क्योंकि जो लो बजट सेगमेंट है, स्पोर्ट्स एक्सेसरीज है, उसमें निविया बहुत ही पुराना नाम है और निविया ने काफी यहाँ पे लोगों को रनिंग में हेल्प करी है। निविया का स्नेक 2.0 रनिंग शूज है, क्या ये 2024 के अंदर आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे सकता है, क्या ये पूरी तरह से प्राइस टू वैल्यू है, क्या आप इस ब्रांड के लिए जा सकते हैं, क्या आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कैसा है रनिंग शूज, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जहां पे आपको फिटनेस एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो हेल्दी अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सारे रनिंग शूज के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो करते हैं वीडियो कंटिन्यू। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं निविया के स्नेक 2.0 रनिंग शूज के यहाँ पे फीचर्स की। अगर हम इस रनिंग शूज की बात करें तो इसके अपर में आपको सिंथेटिक लेदर एंड मैश का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से ये जो रनिंग शूज है काफी ड्यूरेबल और इसकी जो वेंटिलेशन है काफी अच्छी बन जाती है। बेसिकली आपको इसमें काफी अच्छा एयर सर्कुलेशन देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से जो आपके फीट हैं वो ड्राई रहते हैं। वही दोस्तों अगर बात करें इसके इंसोल की, तो इसमें आपको सॉफ्ट फॉर्म इंसोल देखने को मिल जाता है जो कि रिमूवेबल है, और आपको जो इसका इंसोल देखने को मिलता है बेसिकली स्पोर्टो फुट कंफर्ट इंसोल है, जो कि आपको यहाँ पर शॉक एब्जॉर्प्शन में काफ़ी हेल्प करता है, साथ ही साथ जो आपके फीट हैं उसको भी काफ़ी अच्छा कंफर्ट देता है। तो ओवरऑल कंफर्टेबिलिटी इस रनिंग शूज़ की काफ़ी हद तक बढ़ जाती है इसके इंसोल की वजह से। वहीं अगर बात करें इस रनिंग शूज़ के मिडसोल की, तो इसमें आपको ईवीए फोम मिडसोल देखने को मिल जाता है। बेसिकली जो इसका मिडसोल है बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, आपको मीडियम थिकनेस के साथ ही देखने को मिलता है, जिसमें आपको ज़्यादा फ्लैट यहाँ पे हील देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू अदर रनिंग शूज़। लाइक अगर आप एशियन का रनिंग शूज़ देखते हैं या फिर आप किसी और ब्रांड का रनिंग शूज़ देखते हैं जो कि आपको लो बजट के अंदर देखने को मिलता है, उनके कंपैरिजन में जो मिडसोल है वो बहुत ज़्यादा थिक आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो निविया इसमें यूज़ करता है फोम, वो है ड्यू फोम मिडसोल, जिसकी वजह से इस रनिंग शूज़ की जो वेट है वो काफ़ी लाइट वेट हो जाता है, साथ ही साथ इसका जो रेस्पॉन्सिवनेस है वो भी थोड़ा बढ़ जाता है। अगर हम यहाँ पे निविया के स्नेक 2.0 रनिंग शूज़ के ओवरऑल कुशनिंग की बात करते हैं, तो इसमें आपको मीडियम अमाउंट ऑफ कुशनिंग देखने को मिलती है, क्योंकि जो इसका मिडसोल है बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जिसकी वजह से आपको कुशनिंग भी उसी अमाउंट की देखने को मिलती है। हालांकि इस प्राइस रेंज के अंदर ये पूरी तरह से जस्टिफाई है। वहीं अगर बात करते हैं इस रनिंग शूज़ के कंफर्टेबिलिटी की, तो कंफर्टेबिलिटी के मामले में एज सच आपको कोई भी इशू नहीं आता, जो इसका टो बॉक्स है उसमें आपको इनफ स्पेस देखने को मिल जाता है। ओवरऑल कंफर्टेबिलिटी इस रनिंग शूज़ की काफ़ी अच्छी है, अगर आपके फीट वाइडर हैं तो भी एज सच आपको कोई इशू नहीं आता, आप आसानी से पहन के आसानी से रोड पर रनिंग कर सकते हैं। वही दोस्तों अगर बात करें इस रनिंग शूज़ के वेट की, तो सिंगल रनिंग शूज़ का वेट निकल के आता है 250 ग्राम, जो कि लाइट वेट कैटेगरी के अंदर ही आता है। बेसिकली इसका जो वेट है इतना कम इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका जो मिडसोल है बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, साथ ही साथ इसमें जो फोम का यूज़ किया गया है वो भी काफ़ी लाइट वेट है, और इसके आउटसोल में ज़्यादा रबर का यूज़ नहीं किया गया है, जिसकी वजह से जो आपको रनिंग शूज़ देखने को मिलता है काफ़ी लाइट वेट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप जब रनिंग करेंगे तो आपकी पेस को इम्प्रूव करने में ये जो रनिंग शूज़ है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। वहीं अगर बात करते हैं यहाँ पे निविया स्नेक 2.0 के आउटसोल की, तो इसके आउटसोल में आपको PU प्लस EVA मटेरियल का यूज़ देखने को मिलता है, इसमें आपको ऑथेंटिक रबर नहीं देखने को मिलता, जिसकी वजह से इस रनिंग शूज़ का वेट भी लाइट हो जाता है। लेकिन जहाँ तक बात आती है इसके ग्रिप एंड ट्रैक्शन की, तो इसकी ग्रिप एंड ट्रैक्शन रोड के लिए परफेक्ट है, बट अगर आप किसी स्लिपरी सरफेस पे इसे पहन के रनिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको स्लिपिंग इश्यूज हो सकते हैं, तो आपको वहाँ पे अवॉइड करना है। अदरवाइज आप ग्राउंड पे इसे पहन के रनिंग कर सकते हैं, आप इसे रोड पे पहन के रनिंग कर सकते हैं, एज सच आपको कोई भी इशू नहीं आता। ओवरऑल जो आपको लो बजट सेगमेंट के अंदर जो रनिंग शूज़ देखने को मिलते हैं, लाइक एशियन, स्पार्क्स, कैंपस,
जैसा ये रनिंग शूज के अंदर आउटसोल यूज किया जाता है, सिमिलरली आपको इसमें भी आउटसोल देखने को मिल जाता है। वहीं आउटसोल का जो डिजाइन है उसमें ड्यूरेबिलिटी का कोई इशू नहीं आता, आउटसोल का डिजाइन काफी अच्छा है जिसकी वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी भी खासकर आउटसोल की काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं लुक वाइज बात करते हैं तो डिसेंट लुकिंग रनिंग शूज है, ब्लू कलर में मेरे पास है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, और अगर आप इसे कैजुअल वियर के साथ भी कैरी करते हैं तो भी एज सच आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। लुक वाइज काफ़ी प्रीमियम लगता है और आप इसे आसानी से कैजुअल वियर के साथ भी कैरी कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं इस रनिंग शूज़ के यहाँ पे प्राइस टू वैल्यू की, तो ये जो अभी करंट प्राइस में आपको मिलता है अराउंड 1400 के आसपास इसका प्राइस रेंज है। हालांकि ये 100% प्राइस टू वैल्यू डील हो सकती है अगर आप यहाँ पे कोई ड्यूरेबल रनिंग शूज़ देख रहे हैं, या आप ऐसा रनिंग शूज़ चाहते हैं जिसे पहन के आप रनिंग करें तो आपको ड्यूरेबिलिटी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। क्योंकि दोस्तों निविया एज ए ब्रांड काफ़ी ड्यूरेबल चीज़ें बनाता है और इसके जो रनिंग शूज़ हैं, स्पोर्ट्स शूज़ हैं, वो भी काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं, तो ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी में एज सच आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है। तो ये 100% प्राइस टू वैल्यू डील हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या 2024 के अंदर निविया का स्नेक 2.0 रनिंग शूज आपके लिए प्राइस टू वैल्यू डील हो सकती है? क्या आप इसके लिए जा सकते हैं? क्या आप इसे पहन के रोड पे रनिंग कर सकते हैं? तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि ये एक काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पे लो बजट रनिंग शूज़ ढूंढ रहे थे, और लो बजट के अंदर भी जो काफ़ी ड्यूरेबल रनिंग शूज़ ढूंढ रहे थे उनके लिए काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे हाई रेस्पॉन्सिवनेस चाह रहे हैं किसी भी रनिंग शूज़ से, तो ये आपको पूरी तरह से प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि इसमें आपको मीडियम अमाउंट ऑफ कुशनिंग ही देखने को मिलती है। जैसा कि इसका मिड सोल बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, जिसकी वजह से रेस्पॉन्सिवनेस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक एवरेज अमाउंट ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस आपको देखने को मिल जाती है। अगर आप यहां पे बहुत ज्यादा हैवी नहीं है तो आप इस रनिंग शूज को कंसीडर कर सकते हैं, आपको 2024 के अंदर भी ये काफी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। वहीं अगर आप इनका कंपैरिजन करते हैं एशियन के, या फिर आप इसका कंपैरिजन करते हैं स्पार्क्स के रनिंग शूज से, या फिर आप कैंपस के रनिंग शूज से इसका कंपैरिजन करते हैं, तो वहां पे आपको कुछ चीज़ों में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। लाइक अगर आप ब्रीदेबिलिटी की बात करते हैं तो उनमें जो मैश यूज़ किया जाता है अलग अलग क्वालिटी का यूज़ किया जाता है। लाइक आपको टेक्सटाइल मैश देखने को मिल जाएगा जो कि ज़्यादा ब्रीदेबल होता है और आपको ज़्यादा यहाँ पे एयर सर्कुलेशन में हेल्प करता है जब भी आप रनिंग करते हैं। मिडसोल में भी आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि जैसा अगर आप किसी स्पार्क के या कैंपस के इसी प्राइस रेंज के अंदर जो रनिंग शूज़ है उसको लेते हैं, तो उसमें भी आपको जो मिडसोल की थिकनेस है, जो EVA फोम यूज़ किया गया है, वो ज़्यादा थिक यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से आपको रेस्पॉन्सिवनेस ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। आप जब रनिंग करते हैं तो कुशनिंग काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो ये चीज़ें हैं जो यहाँ पे स्पार्क्स, कैंपस, एवेंट जैसे ब्रांड्स यूज़ कर रहे हैं, एशियन जैसे ब्रांड्स यूज़ कर रहे हैं इनोवेशंस में, जिसकी वजह से वहाँ पे आपको नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ देखने को मिल जाता है। बट जहाँ तक बात आती है निविया की, तो निविया इस चीज़ में मेरे हिसाब से पिछड़ते जा रहा है, क्योंकि 2024 के अंदर मेरे हिसाब से आपको काफ़ी इनोवेटिव रहना पड़ेगा। हालांकि नो डाउट कि निविया एक ट्रस्टेड ब्रांड है, एक ऐसा ब्रांड है जिसने बहुत सारे रनर्स की यहाँ पे ज़िंदगी बदली है, और एक ऐसा ब्रांड है जिस पे इंडिया प्राउड कर सकता है। बट यहाँ पे जब इनोवेशन की बात आती है तो निविया ने बहुत ही कम इनोवेशन किए हैं, खासकर रनिंग शूज़ के लिए, खासकर यहाँ पे जो रोड रनिंग शूज़ हैं उनके लिए। तो अभी मेरे हिसाब से निविया को इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन जहाँ तक बात आती है स्पार्क्स, कैंपस, एशियन, एवेंट जैसे ब्रांड्स, ये अभी धीरे धीरे करके अपनी एक मार्केट यहाँ पे डेवलप करते जा रहे हैं, और जो इनके रनिंग शूज़ हैं उसके अंदर परफॉर्मेंस भी आपको खासकर रोड रनिंग के लिए काफ़ी अच्छी मिलते जा रही है। ये लाइटवेट भी है और आपको रेस्पॉन्सिवनेस भी काफ़ी अच्छे देते हैं, और साथ ही साथ कंफर्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी देते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे हर किसी रनिंग शूज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी स्पेसिफिक रनिंग शूज़ जो कि इन ब्रांड्स के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसका कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे अगर आप ऐसा रनिंग शूज़ चाह रहे हैं जो कि थोड़ा ड्यूरेबल हो इस प्राइस रेंज के अंदर, तो आप यहाँ पे निविया स्नेक 2.0 के लिए जा सकते हैं। लेकिन इनोवेशन की बात आती है तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलता निविया के अंदर। जो कुशनिंग की बात आती है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आप कुशनिंग के मामले में मत रखना। और वहीं अगर यहाँ पे ग्रिप एंड ट्रैक्शन की बात आती है तो ग्रिप एंड ट्रैक्शन भी ऑन एवरेज सारे ही रनिंग शूज़ का भी सिमिलर है। तो अगर बात करें तो मेरे हिसाब से ये एक रनिंग शूज़ उनके लिए हो सकता है जो लोग यहाँ पे लाइटवेट हैं, और जो यहाँ पे लाइटवेट रनिंग शूज़ चाह रहे हैं जो कि ड्यूरेबल भी हो, तो वो इस रनिंग शूज़ के लिए ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप इस रनिंग शूज़ को यहाँ पे चेकआउट करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो नीविया के स्नेक 2.0 रनिंग शूज की। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप मुझे नीचे पूछ सकते हैं। तो करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड अप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।